4 अगस्त 2010 को डीन्स प्लाजा पेशावर के सामने खुदकश हमले में शहीद होने वाले इप्सी कमांडर सिफत गयूर की शहादत को एक साल मुकम्मल होने पर पावाका कब्रिस्तान में तकरीब मुनाकिद हुई, जिसमें आला पुलिस अफसरान ने शिरकत की। इस मौका पर पुलिस के चाकूचाबंद दस्ते ने शहीद को सलामी दी। IGP फयास्तूरू और CCPO इम्तियाज अल्ताफ समेत पुलिस के आला अफसरान ने शहीद की कब्र पर फूलों की चादरें चढ़ाई। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए IGP फयास्तूरू का कहना था कि पुलिस फोर्स को सिफत गयूर पर फहर है। इनका कहना था कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पुलिस की कुर्बानियाँ नाकाबिल फरामोश है। सफत गयूर इन कुर्बानियों में सर फहरिस्त हैं, मगर कुर्बानियाँ और भी, जैसे मैंने मेंशन किया, सारे फोर्स की कुर्बानियाँ हैं और उसको हम रायगा नहीं जाने देंगे। CCPO पिशावर की हैसियत से फराइज अंजाम देने वाली पुलिस के बहादुर सफूत सिफत गयूर ने कमांडेंट का उदा संभालते ही इफ्सी फोर्स को फाल करना शुरू किया और FR पिशावर समेत मुख्तलिफ इलाकों से दहशतगर्दों के ठिकाने खत्म किए। इनकी शहादत को एक साल पूरा हो गया है, वो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। मुझे इस पुलिस जो हमारी सर्विस है और सूबा पख्तूनख्वा की, इस पे मुझे फ़ख्र हासिल है और मैं फ़ख्र करता हूँ कि इस जैसे जरूरतमंद पुलिस को आज मैं कमांड कर रहा हूँ। पुलिस और FC के लिए काबिल फ़ख्र अफसर सिफत गयूर की बरसी के मौके पर इनके घर पर कुरानहानी की गई, जिसके बाद इनकी दर्जात की बुलंदी के लिए खसूसी दुआएं मांगी गई। कैमरामैन आमिर शाह के साथ नुसरतुल्लाह, दुनिया न्यूज़, पेशावर।